अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया कोर्स शुरू किया हुआ था जिसकी हम सबक नंबर 16 पढ़ाएंगे, और उस कोर्स का नाम क्या है, यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन लाइब्रेरी। जो लेक्चर नंबर 16 है वो है लाइब्रेरी सिक्योरिटी सिस्टम। आई मायसेल्फ आबिदुसैन, एमफिल स्कॉलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैनल, so you can write to abhishek@gmail.com. so let's start from the very first slide. what is security system in the library? library has number of security system from its establishment. it has differentiated in standard and cutting edge system. modern structure has been made by means of technological support. traditional structure are totally based on humans. this consists of security systems such as electronic anti-theft devices, visible cameras, smoke detection and alarm devices at entrances, exit and stack areas in the library. This system can assist stop unauthorized removal of collection and viable monitoring and detection of user in established study and reference rooms as well as cabinet areas. Library security system दो तरह की होती है, एक मशीनी होती है जो कि modern cutting edge system मुतारिफ कराए गए पूरी दुनिया में, और मॉडर्न स्ट्रक्चर की जो मीन्स है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं। और एक है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आर टोटली बेस्ड ऑन ह्यूमन, से मुराद ये कि पुराने ज़माने में एक चौकीदार हुआ करता था, मैनुअल चीज़ें रखी गई होती थी और गेट पे जो ना एक बंदा रखवाला होता था कि कौन क्या लेके जा रहे हैं। अब आजकल चूंकि दुनिया बहुत तेज़ हो गई तो सिक्योरिटी सिस्टम में भी निखार आया है, जैसे कि एंटी थेफ्ट डिवाइसेस। अब जो लोग लाइब्रेरी से चोरी करते हैं उसको एंटी थेफ्ट डिवाइसेस के जरिए पकड़ाया जाता है, या कैमराज है, या स्मोक डिटेक्शन, या अलार्म डिवाइसेस एट एंट्रेंसेस, या आग लग जाए। इस तरह पुराने ज़माने में मैनुअल सिस्टम हुआ करता था, आजकल जो ना सिक्योरिटी सिस्टम मशीनी और इलेक्ट्रॉनिक यानी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम इन द लाइब्रेरीज, कन्वेंशनल और मैनुअल सिक्योरिटी सिस्टम। कन्वेंशनल और मैनुअल सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? फायर एग्जिस्ट एक्सटिंक्शन एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज एन एक्टिव हर्ड प्रोटेक्शन मशीन यूज टू एक्सटिंग्विश और मैनिपुलेट स्मॉल फायर्स रेगुलरली इन इमरजेंसी सिचुएशन। आपको पता है कि पुराने जमाने में जो बड़े बड़े बॉटल रखे जाते होते थे, और कोई जब आग लग जाती थी या इस तरह की, या सर्कट से वगैरह वगैरह, इसी से आग को बुझा जाता था, तो इसको क्या कहते थे? फायर एक्सटिंग्विशर एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स कहलाता था। आईडी कार्ड एंड एक्सेस ऑथराइजेशन एज अ मिनिमम एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड मस्ट कंटेन इंडिविजुअल नेम, कलर फोटोग्राफ्स, आर डिजिटाइज इमेज, द नेम ऑफ द इशूइंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ एक्सपायरी मैक्सिमम 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू, एंड अ नंबर यूनिक टू द कार्ड। आई डी कार्ड किसी ज़माने में लाइब्रेरी में देखा जाता था, अब भी है, लेकिन अब चूंकि सिस्टम थोड़ा अलग हो गया, तो आई डी कार्ड सिस्टम पे क्या होता था, कम अज़ कम उसका नाम, एक कलर फोटो लगा हुआ था किस डिपार्टमेंट से, और डेट ऑफ एक्सपायरी क्या वगैरह वगैरह। तो ये ह्यूमन को दिखाते थे जैसे सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और उसी के बाद जो अनऑथराइज एक्सेस थी उसका तरह ही एक्सेस बनाते थे। लॉक एंड की सिस्टम, ए की डिवाइस दैट इज यूज टू ऑपरेट अ लॉक सच एज अ लॉक और अनलॉक इट। अ टिपिकल की इज अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, द पिट और ब्लेड। अच्छा, पुराने जमाने में लॉक और की सिस्टम हुआ करती थी, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों के पास अभी भी वही सिस्टम है, एक लॉक और की हुआ करती थी। जब टिपिकल मोमेंट के लिए इसको खोला जाता था तो चाबी का इस्तेमाल किया जाता था या ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था। इसके दो पार्ट्स थे, बिट और ब्लेड। चूल्हे को खोलने के लिए आपने अक्सर देखा होगा जो मैनुअल ताले होते थे, या वो जो बड़े ही किस्म के ताले हुआ करते थे जो कि जिससे गेट को लॉक करते थे। सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसीजर, प्रोटेक्शन क्लियरेंस एंड ऑथराइजेशन दैट परमिट्स गेट एंट्री टू इंफॉर्मेशन दैट वुड अदरवाइज बी फॉरबिडन। सिक्योरिटी क्लियरेंस आर रेगुलरली यूज इन एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट। सिक्योरिटी क्लियरेंस देने की प्रोसीजर पुराने ज़माने में भी आम था, अब भी बहुत ज़्यादा आम हो गए। जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रोसीजर क्लियर नहीं होती
इस इदारे में घुसना देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम इन लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गार्ड इम्प्लाई टू पेट्रोल। सिक्योरिटी गार्ड आर सुनियर सिक्योरिटी ऑफिसर आर प्रोटेक्ट टू आइडेंटिटी द पर्सन एम्प्लाई टू रिपब्लिक आर पर्सनल प्रॉपर्टी टू गार्ड द एम्प्लॉइंग पार्टी एसेट्स प्रॉपर्टी पीपल इक्विपमेंट मनी फ्रॉम अ रेंज ऑफ डेंजर सच इज वेस्ट ब्रोकन प्रॉपर्टी हैजर्डस वर्क बिहेवियर क्रूक अंडरटेकिंग सच एज थ्रेट एटसेट्रा। एक जमाने में बल्कि अभी भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड जो ना लाइब्रेरी गेट के सामने खड़े होते हैं, जिसका काम लोगों को चेक करना होता है, लोगों की प्रॉपर्टी को बचाना, पीपल इक्विपमेंट और मनी को बचाना, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो डेंजरस सिचुएशन आती थी उसको फेस करना सिक्योरिटी गार्ड का काम था। सिग्नेचर ऑफ एवरी यूजर गेट रजिस्ट्रेशन एनी मैन और वेमेन इंटेंडिंग टू यूज द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड इट्स एसेट्स इन पर्सन शुड प्रेजेंट हिज आर हर प्राइवेट आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑलवेज फर्निश करेक्ट पार्टिकुलर्स एट द गेट रजिस्टर फॉर एंट्री इनटू द लाइब्रेरी। अब एक मैनुअल रजिस्टर रखा जाता था जिस पे लोग कोई भी आ जाते थे तो अपना पर्सनल मतलब इंफॉर्मेशन डालते थे, और उसके बाद जो है ना वो प्राइवेट आइडेंटिटी या कार्ड या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोवाइफ थी उसको लिख देते थे और लाइब्रेरी मैन हो जाते। अब इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम क्या है? 3 इमेजिट डिटेक्शन सिक्योरिटी सिस्टम फ्रॉम क्रीम रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लीडिंग सिक्योरिटी सोल्यूशन फॉर लाइब्रेरी अ ग्लोबल लीडर इन द लाइब्रेरी सिक्योरिटी फॉर ओवर 3 डिकेड्स। क्रीम लाइब्रेरी सिस्टम थ्रू द कम्बिनेशन ऑफ टेटल टैप सिक्योरिटी स्ट्रेप्स इनोवेटिव डिटेक्शन सिस्टम एंड सर्कुलेशन एक्सेसरीज। इसमें 3 इमेजिट जो है सिक्योरिटी मेजरमेंट है जो कि बहुत वर्ल्ड लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम जो है सिक्योरिटी ट्रिप्स और इनोवेटिव डिटेक्शन सिस्टम और सर्कुलेशन एक्सेसरीज को काबू करना होता है। अलार्म सिस्टम एंड अलार्म डिवाइस आर सिस्टम ऑफ अलार्म डिवाइसेस गिव्स एन ऑडिबल विजुअल और अदर फॉर्म ऑफ अलार्म सिग्नल अबाउट अ प्रॉब्लम और कंडीशन। जब भी कोई थ्रेट या डेंजरस सिचुएशन आ जाती है तो अलार्म सिस्टम को बजाया जाता है और इसी से लोगों को पता चल जाता है कि कोई खतरा है। अब टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम इन लाइब्रेरीज में बायोमेट्रिक आया हुआ है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड टू ऑथेंटिकेट एंड प्रोवाइड एक्सेस टू फैसिलिटी या सिस्टम बेस्ड ऑन दी ऑटोमेटिक एंड इंस्टेंट वेरिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बायोमेट्रिक निज़ाम आया हुआ है आजकल, ये आई साइट के साथ भी और थंब पे भी बंदा लगाया जा सकता है, जिससे मतलब एन हो जाता है तो उसकी सारी रिकॉर्ड क्लियर हो जाए। सीसीटीवी कैमराज, क्लोज सर्किट टीवी कैमराज। एडिशनली कंसिडर वीडियो सर्विलेंस इज द यूज ऑफ वीडियो कैमराज टू ट्रांसमिट अ सिग्नल टू पार्टिकुलर प्लेस आर लिमिटेड सेट ऑफ मॉनिटर्स। आप जहाँ कहीं पे सिटिंग कैपेसिटी है या मेन हॉल है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते जिसमें लोगों की सर्विलेंस को काबू करते कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या लेके जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आई डिटेक्शन एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक आई डिटेक्शन इज अ डिटेक्टर यूज फॉर डिटेक्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट बीम। आजकल तो आई डिटेक्टर आए हो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है आप आई का इस्तेमाल करें तो गेट खुल जाता है, अदरवाइज नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम रेफर्स टू एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट मे वांट टू ऑपरेट रोटेशन ऑपरेशंस लाइक सर्वेलेंस गेट एंट्री टू कंट्रोल अलार्मिंग और एनी इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट टू अ फैसिलिटी और एनी लोकेशन व्हिच यूजेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप लाइक बैटरी एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए बैकअप कैमरे लगे होते हैं जो 24 आवर्स को जो है ना वो रिकॉर्डिंग पे लगे होते हैं और उसमें हर चीज लगी हुई थी ताकि सिक्योरिटी मेजरमेंट को डिटेक्ट किया जाए। RFID सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टोटली एक्सेस कंट्रोल गैजेट परमिट्स एक्रेडिटेड ह्यूमन बींग्स टू एंटर अ पार्टिकुलर प्लेस ऑफ एन एस्टेब्लिश। RFID टेक्नोलॉजी आजकल आई लाइब्रेरी में डिटेक्शन सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जो भी कोई अनऑथराइज पर्सन आ जाता है या बुक लेके जाता है तो उसी को फौरन जो है ना डिटेक्ट करने के लिए अलार्म बजाया जाता है। स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड कंप्यूटिंग एंड बिजनेस सिस्टम टू द नॉर्मस बेनिफिट्स ऑफ पोर्टेबल एंड सिक्योर स्टोरेज ऑफ डेटा एंड वैल्यू। एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड इंटू योर सिस्टम इंट्रोड्यूस इट्स ओन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जो कि आप इन होते हैं उसमें आपकी पोर्टेबल सिक्योर स्टोरेज होता है डेटा, इसको इस्तेमाल किया जाता है और एट द सेम टाइम कार्ड्स का
इस्तेमाल इसलिए कराया जाता है ताकि आप किसी को टीम मैनेजमेंट इशू हो वो हल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि लाइब्रेरी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।